حي على الفلاح الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। मोहतरम सामईन कराम, अभी आप लोगों के सामने सूरतुज़ुहा जो सूरह नंबर 93 है और तीसरे पारे में है, मुकम्मल सूरह की तिलावत की गई है। इस सूरह में कुल 11 आयात हैं, एक रुकू पे मुश्तमिल है और ये मक्की सूरह की इब्तदाई सूरतों में से। आज हम इंशाल्लाह आप लोगों के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिरी 3 साल के पूरे वाक़यात सिस्टमेटिक अंदाज में रखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो बातें भी आपके सामने आए जो आम तौर से बातें नहीं आती। तो इंशाल्लाह जो है, मैं अल्लाह की मदद से आपके सामने वो बातें रखने की कोशिश करूँगा और ख़ास तौर से एक फ़लसफ़ा जो है सीरतुन्नबी के अंदर, वो बात को हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। अब वो हाईलाइट क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दौर है, नबी बनने से ले करके ताइफ का वाकया पेश आने तक। अब ताइफ का वाकया जो पेश आया था वो 10 नबी में आया था। 10 साल के अरसे में एक अलग प्लानिंग थी अल्लाह ताला की और 10 साल के बाद एक दूसरी प्लानिंग अल्लाह ताला की हुई। और ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे वाक़यात में जो खुद ब खुद जहन में सवालात उभरते हैं तो वो आपको बात समझ में आ जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पीछे कई वाक़यात मैं सुना चुका हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जो है नमाज पढ़ रहे थे और सजदा में गए तो आप देखेंगे कि अब्दुल्ला बिन अबी मुईत ने जो है, या मुईत ने जो है, ओझड़ी जो है ऊँट का ला के डाल दिया था अबू जहल के कहने पे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए थे। फिर एक मरतबा एक आदमी ने जो गले में जो है चादर के इतना ज़ोर से खींच दिया कि आँख उबल आई। तो इस तरह के वाक़यात आप देखेंगे कि कई हुए हैं। तो आपको लगेगा कि अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं आएगी, हरम में कोई आदमी वक्त के रसूल के साथ ऐसी गुस्ताखी कर रहा है तो अल्लाह ताला अबू जहल के हाथ को शल क्यों नहीं कर दिया। जबकि दूसरा आप वाक़या पढ़ेंगे मक्के की ज़िंदगी में तो आपको लगे ऐसा हुआ। जैसे आप देखेंगे कि एक मरतबा अबू जहल जो है उसने कहा कि मैं इस आदमी से परेशान हो गया हूँ तो अब मैं ये मामला ही को क्लियर कर देता हूँ। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल ये था कि चाश्त के वक्त में हरम में आकर के नमाज पढ़ते थे। सहाबा किराम के तो पढ़ने नहीं देते थे लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। उसने कहा कि ये जो है सजदा जो करते ना तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, ये ज़मीन पर जो माथा को टेकते हैं तो ये मुझे एक तरह से चिढ़ाने के हिसाब से मैं समझता हूँ, तो कल अगर मेरे सामने अगर इसने सजदा किया तो मैं भारी पत्थर उठा करके सर पे दे मारूंगा। अब फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होंगे बनू हाशिम के ख़ानदान वाले मेरे पे टूट पड़ेंगे। अब तुम लोग का साथ देना तो दो, नहीं देना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने जो दारुल नदवा में सारे लोग थे, तुम लोग साथ दोगे तो बनू हाशिम वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा पैसा लेकर के दियत लेकर के शांत हो जाएंगे। और लेकिन तुम लोग भी डर जाओगे तो ज़्यादा ज़्यादा उसके बदले में मुझे मार देंगे। लेकिन कम से कम ये जो मैं डेली टॉर्चर होता हूँ उनको नमाज पढ़ते दे करके ये तो ख़त्म हो जाएगा।
सब लोगों ने पिन मारा, नहीं नहीं कौन तुमको छोड़ेगा, हम लोग साथ हैं तुम्हारे, करो डेरिंग बाज वाला काम। तो कहा हाँ अंकल हम करेंगे। जब कल होकर के जो है वही टाइम पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नियत बांध दिए, तो सब लोगों ने पिन मारा, भूल गए क्या? या नहीं नहीं भूला नहीं, सजदे में जाने दो, ये तो बहुत लंबी रिकत पड़ते हैं, सजदा भी लंबा करते थे, रिकत भी लंबी मानते थे। तो जैसे उसको अब महसूस हुआ कि अब सजदे का टाइम आ गया है, तो फौरन उठा और एक बड़ा सा पत्थर लिया, पूरा जो है हथेली भर में, कहा कि अभी सजदे में जाएंगे तो वो इससे जो है सर पर दे मारूंगे। तो सब लोग फिंग मारा कि जाओ जाओ, जैसे ही वो गया है तो फौरन जो पीछे हट गया। तो सब कह रही ये पीछे क्यों भाग रहा? तो फिर जो है एकदम बदहवास होकर के अपने महफिल में आया, तो उसके साथियों ने कहा अरे हुआ क्या तुमको, तो तुम्हारे सामने थे ना। कहा अरे सामने थे तुम लोग, कुछ नजर नहीं आया क्या? कहा कुछ नहीं, वो तो सामने ने सजदा कर रहे थे, तुम थे? कहा अरे एक खूंखार ऊंट वहां पर मुझे नजर आया, अब वो तो मेरे खोपड़ी को खाने के लिए बिल्कुल तैयार था, वो तो मैं किसी तरह भाग, अब वो पत्थर भी मैं फेंक रहा था, हथियार से छूट नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और फौरन ये हो जाए। तो इस तरह से अब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया। तो अब ये दोनों कंट्राडिक्ट हो जा रहा कि नहीं, कि यहां पे जब ये हुआ तो वहां पे क्यों नहीं हुआ? तो ये बात आप समझ लीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के में दो फेस हैं, एक नबुवत से लेकर के ताइफ तक और ताइफ के बाद से जो है बाद हिजरत तक। अब वो क्या मामला था कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक सुन्नत बनाया कि हर इंसान को मैं आजमाऊंगा 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 और इतना आजमाऊंगा यहां तक कि उसकी चीख निकल जाए। अम हसिब तुम अंतद खुल जन्ना वलम्मा यातकुम मसल्लदीन खलौ मिन क़ब्लकुम मस्सतहुम अलबासा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़ुलु हत्ता यकूल रसूल मता नसरुल्ला, कब आएगी अल्लाह की मदद? जब ये झिझलाहट वाली चीख निकल जाती है दर्द से, तब अल्लाह ताला अला इन्ना नसर अल्लाह करे, अब टाइम आ गया मदद आने का। तो आप देखेंगे ताइफ में चीख निकली थी कि नहीं निकली थी? वो जो दुआ है उसको नाम ही लोग दिए हैं दुआए मुस्तज़फीन, कमजोरों की दुआ। अल्लाह अलैक ज़ौफ़ क़ुव्वती वक़िल लहीलती वहवानी अलन्ना, अल्लाह मैं शिकायत करता हूँ गिला करता हूँ किसके हवाले तूने कर। तो यहाँ जब यहाँ तक मामला पहुँच गया तब अल्लाह ताला ने कहा अब आप पे स्पेशल प्रोटेक्शन आएगा, आप दुनिया की कोई ताकत आपको इस लिहाज से रुसवा नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ से आप देखिए कि स्पेशल प्रोटेक्शन शुरू हो गया था, और ताइफ की दिलजोई मरहम पट्टी तो शुरू हो गई थी, वो अद्दास का जो है ईमान लाना, फिर जो वादी नखला में जिनों का जो है ईमान कबूल करना और दाई बन जाना, और फिर सबसे बड़ी बात जो हुई वो क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये ज़ख़म ऐसा कि इसका ट्रीटमेंट ज़मीन पर पॉसिबल नहीं, तो हम आसमान पर कराएँ। तो मेराज पे अल्लाह ताला ने बुला लिया, तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सारे अम्बिया किराम की इमामत से सरफराजी, ताकि ए मोहम्मद सल्लम ये मक्का के चंद बेवकूफ़ लोग अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं और आपकी कदर नहीं कर पाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानियत के गुले सरसबद जिनको इंसानियत पे नाज है वो सब आपके सरदारी पाशिश कर रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले? 1,24,000 को जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं आपके सरदार होने की, और फिर उससे भी नहीं होता तो आइए हमारे पास, और सातों आसमान का सैर कराना, जन्नत जहन्नम का सैर कराना, अल्लाह ताला का अपने से बात कराना, बातचीत होना, ये सारे चीज़ें जो है ऐसा लगा कि ताइफ का ज़ख्म अब मुंदमिल हो गया, कि वो रसवाई जो थी वो ऑनली जो है टेस्ट के तौर पर था, ट्रायल के तौर पर था, वो अल्लाह की नाराज़गी नहीं थी। अल्लाह ताला ने नाराज़ मैं कहा देखिए मैं आपको बुलाता हूँ अपने पास, मैं कितना आपको लाइक कर दूँ। तो ये एक तरह से आप समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद दर्जा अल्लाह ताला प्यार करते थे, तो ऐसा लगता है कि मक्का के हवाले अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कर दिए कि ये ले दे लो देख लो और इनको थोड़ा सा आजमा लो, तो छांट पटक के भी देख लो कि ये जो पर्सनालिटी है इनके अंदर सबात कितना है, सब्र कितना है, अज़्म कितना, हौसला कितना है, और ठोक बजा के देखो थोड़ा सा आजमाओ, ये बिक सकते हैं क्या, ये झुक सकते हैं क्या, ये कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं क्या, या हक के वलम बरदार होकर के हर चीज़ को फेस करते हैं। तो मक्के वाले ने जो है अल्लाह ताला ने पूरा हवाले कर दिया, देख लो कितना। तो 10 साल तक उन्होंने ठोक बजा के देख लिया हर एंगल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सिर्फ एक बात पे देखना था कि ये हक से 1% भी कंप्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते, या तो डर से या लालच,
लेकिन पता चल गया कि हक के मामले में ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ताइफ का भी वाकया हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला से जो है गिला शिकवा नहीं किए, तब जाकर के अल्लाह ताला ने कहा अब जो है इम्तहान ख़त्म, अब इनाम के बारी आ गई। तो अब यहाँ से जो है मामला शुरू होगा कि अल्लाह ताला ने कहा अब खिड़की खुलेगी, ताइफ वाले नहीं कदर किए तो क्या है, दूसरी दुनिया का हम खोल देंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं, अब मुतीम बिन अदी के प्रोटेक्शन में आए हैं क्योंकि मक्के में एंट्री नहीं ले सकते थे, तो पहले नंबर पे जो है खबर भिजवाए हैं अखनस बिन शुरैक को कि आप मुझे पनाह दे दो, मैं आ जाना चाहता हूँ। लेकिन अखनस बिन शुरैक ने कहा कि देखिए मैं हलीफ कबीला का हूँ, मैं ओरिजिनल जो है मेरा ओरिजिन मक्का का नहीं है, तो हलीफ जो है वो किसी मैन मक्के के आदमी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठीक है, तो फिर जो सुहैल बिन अम्र को भेजे खबर कि तुम मुझे पनाह दे दो, उसका लकब था खतीब कुरैश, उसने जवाब भेजा है कि भाई हम तो देना चाह रहे हैं लेकिन मैं बनु आमिर कबीले से हूँ, अब मेरा जो है रुतबे में मेरा कबीला थोड़ा सा है इन्फीरियर है, तो वो बनी काब को जो है प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, उस पर लागू नहीं होगा, तो लिहाजा मैं भी चाहता हूँ लेकिन दे नहीं सकता। तब फिर तीसरे नंबर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतीम बिन अदी को भेजा, तब उसने एक्सेप्ट किया, तब फिर वो मोहम्मद सल्लम उनके प्रोटेक्शन में मक्के में आकर के रहे। लेकिन पता था कि यहाँ पर जो है ज़्यादा ज़्यादा हमको जीने की गुंजाइश है और चोरी छुपके जो है मतलब छुपके छुपके जो है दीन का काम करने की भी जो है गुंजाइश है, वरना यहाँ पर कोई जो मुहिम तो लॉन्च नहीं हो पाएगा। जब मैं खुद ही किसी के प्रोटेक्शन में हूँ तो कौन यहाँ पर जो है पार्टी बनाने देगा, ऑर्गेनाइज होने देगा और हमको काम करने देगा। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्टरनेट के तलाश में थे और यही एक सेवा होना चाहिए कि एक अल्टरनेट अगर आपके हिसाब से फेल हो तो मायूस होकर नहीं बैठना, दूसरा फेल तलाश, दूसरा नहीं तीसरा तलाश। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ से जो है कबाइल को जो है ढूंढना शुरू की, मुख्तलिफ अरब के कबाइल, अब कई कबाइल के पास गए, उसमें ख़ास तौर से जो है बनु कल्ब के पास गए, उन्होंने जो है एहतराम वगैरह तो किया लेकिन जो है कबूल नहीं किया, आगे सोच के बताएंगे, बहुत टाइम ले लिए। उसके बाद बनु हनफिया के पास गए लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ज़िंदगी में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुरा जवाब किसी ने नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे जो दावत हो रही थी वो क्या थी, जब चाहे बनु कल्ब हो या बनु हनफिया हो या कोई और हो, उनसे जा कर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलते थे कि तुम मुझ पर ईमान भी ले आओ और मुझको अडॉप्ट करो, यानी मुझे बुला लो अपने यहाँ और फिर मैं तुम्हारे यहाँ से काम करूँगा, फिर उसके तकादे में जो मुसीबतें आएंगे उसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैठने के लिए नहीं आ रहा, मेरे पास एक मिशन है, तो तुम अगर तुम्हारा कबीला बड़ा है और उसमें दम है तो हमको अडॉप्ट करो और फिर मैं आ जाता हूँ तुम्हारे यहाँ। देखो वो लोग समझ रहे थे कि इनको बुलाने का मतलब कुरैश से लड़ना, जैसे आज जो है किसी को आप प्रोटेक्शन देंगे इसका मतलब अमरीका से लड़ना, तो कौन ले देंगे। फिर वो तीसरे कबीले के पास भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वो बनु आमिर कबीला था, उसका जो सरदार था उसका नाम जो था बहीरा बिन फर्रास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बात किए कि ईमान कबूल कर लो, मुझको अडॉप्ट कर लो, मैं तुम्हारे यहाँ पूरा जो है काम काज यहाँ से शिफ्ट कर लूँगा। उसने कहा अपने सारे लोगों को जमा किया, कहा लोगों खुश हो जाओ, ये कुरैश का नौजवान कसम खुदा की मुझे हाथ आ जाए ना तो मैं तो पूरी दुनिया फतह कर लूँगा, उसके पास इतना स्ट्रांग मैसेज, तैयार हो तुम लोग। सब लोगों ने जो मुंडी हिलाया कि हाँ गो हेड, तो उधर से जो है कबीले की तरफ से जो है उसने ले लिया। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारगेन करने के लिए बैठा, देखिए हम तैयार हैं आपको अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन जब आप अरब पे गालिब हो जाएंगे तो ठीक है ताहयात आपको हम लीडर मानते हैं, लेकिन आपके बाद क्या हुकूमत हमारे खानदान में आएगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुकूमत का मालिक अल्लाह है, वो जिसको चाहेगा देगा। तो कहा अच्छा, अभी जो है पूरे अरब के तीर के लिए सीना हम जो है पेश करें और जब वक्त आएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, तो ऐसा सौदा मैं नहीं करता। तो वो पहचान नहीं पाया, वो जो दुनियावी लिहाज से देखा कि इस कलाम में इतना दम है कि इनकलाब तो आएगा लेकिन इनकलाब के बाद हमारा क्या होगा, तो इस लिहाज से उसने कहा रिजेक्ट। वो लोग जब घर गए और ये हज के मौके से बात हो रही थी, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी के मौके से बात कर सकते थे, जब ये लोग अपने जो है कबीले में गए हैं बनु आमिर कबीले में, तो एक बूढ़े से जो है यही बात शेयर की, क्योंकि वो बूढ़े होने की वजह से जो है हज में नहीं आ पाए थे, तो उससे शेयर किए कि इस तरह का एक जो है बनु मुत्तलिब खानदान का एक लड़का है, अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद नाम है, उसने नबूवत का दावा किया,
और हम लोग से रिक्वेस्ट भी किया कि तुम लोग अगर अडॉप्ट कर ले तो हम तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोग तो बोले कि ठीक है, ता उम्र हम आपके साथ देंगे, लेकिन आपके मरने के बाद जो है वो सियादत हमारे अंदर आ जाएगी, खलीफा मेरे में से होगा। तो उसने माना नहीं, तो हम भी जो रिजेक्ट कर दिए। वो बूढ़ा कहा, कुरैशो कितने बदनसीब, वो दोनों हाथ सर पर डाल करके बैठ गए मुसीब। इतना गोल्डन चांस तुम लोग गवा दिए, बनू इस्माइल में से आज तक कोई नबुवत का झूठा दावा किया है? तो कैसे झूठा दावा, तो नबी को छोड़ के आ गया। तो क्या आप गुंजाइश है कि उसको फिर पालो? कहा नहीं, आप तो दो सेकेंड ईयर ही जा पाएंगे, वरना रास्ता तो खतरा बहुत है, तो अब नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। तो कहा तुम लोग मिस कर दिए चांस। तो इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस 3 साल के अरसे में कोई ऐसा कबीले की तलाश में थे कि कोई भी मुझे जो ईमान भी लाए और फिर ख़ास तौर से अडॉप्ट करे, अब मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तैयार हो, क्योंकि कुरैश वाले तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब मैं खुद ही लॉन्च करूँगा, मुझे तो असल जो ड्यूटी है, असाइनमेंट जो है, वो तो मक्के के लिबरेशन है। खाने काबा में 360 बुत रखे हुए, हम जी करके करेंगे कि अगर वो रह गया बाकी, तो हम खुद ही लॉन्च करेंगे, वो नहीं करेगा। तो लिहाजा स्ट्रगल तो होनी है, कन्फ्लिक्ट तो होनी है, लेकिन एक ताकतवर कबीला सपोर्ट में आ जाए तो मज़ा आ जाए। लिहाजा जो है कबीले वाले में से तो है, एज ए होल किसी कबीले ने जो रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे ताइफ वालों ने किया वैसे ही इन लोगों ने भी। तब फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये पूरा पूरा कबीला जो है रेडीमेड नहीं मिलेगा, एक एक दाना आपको चुनना पड़ेगा। तब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक खिड़की खोलता हूँ, और वो खिड़की जो है इस अंदाज में खुलेगी कि एक एक दाना मिलेगा, और उसी दाने को समेट समेट करके आपको तस्वीर बनानी पड़ेगी। तब उसमें क्या हुआ, 5 लोगों के वाकया मैं इंडिविजुअल आपको बयान करता हूँ, ताकि आपका अंदाज़ा होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में भी, किसी के प्रोटेक्शन में होने के बावजूद भी, अबू लहब के पीछे पड़ने के बावजूद भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई एक चांस मिलता था तो उसको इग्नोर नहीं करते थे, ना छोड़ देते। उसमें सबसे पहले यसरिफ से अब खिड़की खुली, तो यसरिफ से जो एक आदमी आया, उसका नाम था सुवैद बिन सामित। इसको पता चला कि कोई आदमी है मोहम्मद नाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दावा करते हैं कि मेरे पास बहुत उम्दा कलाम है, और उसके बेस पर मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, रसूल बनाया है। तो कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ उससे। तो हज के मौके से आए, अब मोहम्मद से खुद ही तलाश करते रहते थे कि कोई ऐसा मिले। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। तो वो सुवैद बिन सामित ने कहा कि मुझे पता चला है कि आप दावा करते हैं कि आपके पास कोई अच्छा कलाम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, नो डाउट है मेरे पास। तो कहा कि इस तरह कलाम तो मेरे पास भी है। तब अच्छा कलाम होने का मतलब कि आप अल्लाह के रसूल हो गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे पास क्या है बताओ? तो बोले, मेरे पास जो हिकमत कुरान, हिकमत लुकमान है, यानी लुकमान हकीम की अकवाल जर्री है मेरे पास। तो नोडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले होंगे कि मेरे पास हिकमत रहमान है। तो बोले कि पेश करो थोड़ा सा, क्या है? तो उसने जो है लुकमान हकीम के अच्छे अच्छे अकवाल कोट किए जो महफूज रखे हुए थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छा कलाम है तुम्हारा, लेकिन इससे भी अच्छा कलाम मैं पेश करूं क्या? हाँ पेश कीजिए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाए हैं तो वो तो अपना कलाम को पीछे कर दिया। कहा कि वाकई में जो है इस कलाम के सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं, इसकी गहराई कितनी ज़्यादा है। लिहाजा वो गए और वहाँ पर ईमान कबूल कर लिए, और फिर जो है मदीना में जो है यसरिब में चिमगोइयाँ शुरू हो गई कि एक आदमी ईमान कबूल करके आया, एक आदमी ईमान कबूल करके आया। तो इस तरह से जो है आवाज़ फैलनी शुरू हो गई मदीने में भी। फिर एक और आदमी था अबू ज़र गफारी नाम, ये बहुत मशहूर सहाबी हैं और ये पॉपुलर भी हैं। ये जो है यसरिब के जो है थोड़े से करीब ही में जो है एक ऐसे बॉर्डर पे थे जहाँ से जो है मक्के वालों का तिजारती काफिला गुजरता था। उनको जब ये बात पता चली कि कोई आदमी है जो नबुवत का दावा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है इससे मिलना चाहिए अगर किसी ने दावा किया था। तो उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जा करके पता करो मक्के में कि वो आदमी क्या कहता है, नहीं कहता है, सारी रिपोर्ट लेकर गया। उसका भाई जो है गया, रिपोर्ट लेकर के आया, तो रिपोर्ट में जो है उसने पूछा कि भाई से कि क्या मामला है उनका। तो उन्होंने कहा कि वो आदमी जो है भलाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। कहा इतनी काफ़ी नहीं, पूरा डिटेल लाने के लिए भेजा था लेकिन तू अधूरी रिपोर्ट पेश किया।
तो मुझे लगता है खुद ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। ये जब आए हैं हरम में पहुंचे हैं तो इनका ये अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं, डायरेक्ट जो है मैं उनसे बात करूंगा और डायरेक्ट ये होगा। लेकिन उसके नज़र में ये रहा होगा कि जो है वो नबी जो होंगे जुब्बा उब्बा पहनते होंगे, 400-500 आदमी जो आगे पीछे चलते होंगे तो मैं फ़ौरन पहचान लूँगा, अकेले मिल लूँगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था आम लाइफ स्टाइल जो था, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग वाला मामला था, वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि इसमें मोहम्मद कौन है। अब पूछना भी इनको गवारा नहीं था। तो ये हरामी में बैठे रहते थे, यहाँ तक कि खाना पीना भी ख़त्म हो गया तो जमजम का पानी पी करके 30 दिन गुजारा किया। अब आप समझिए, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जमजम का पानी जो है वो मशरूब भी है, खुराक भी है, इससे भूख भी मिटती है, प्यास भी बुझती है। तो ये जो है 30 दिन तक जो है सिर्फ जमजम पी कर रहे हैं। लेकिन ये भी आजम कितने पक्के थे, ठान लिए तो ठान लिए, नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे। तो फिर जो है अली रजी अल्लाह तआला ने एक मरतबा देखी इनको कि ये हरम में बैठे हुए हैं, तो बोले कि कोई अजनबी आदमी मालूम होता है। तो उन्होंने कहा हाँ अजनबी। तो उनको कहा कि चलिए हमारे घर, आप मुसाफिर हैं तो कुछ खाना वाना खिला देते हैं रात में। तो अली रजी अल्लाह तआला लेके चले, तो कह रहे हैं कि वो आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके उनके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन इत्तेफाक की बात, ना वो कुछ बोल रहे थे ना मैं कुछ बोल रहा था, और ना वो पूछ रहे थे ना मैं पूछ रहा था। मैं तो पहले से इरादा किया था मैं पूछूंगा था नहीं किसी से, लिहाजा घर भी ले गया, घर खाना भी पेश किए, तो दोनों खामोशी खामोशी खा लिए। फिर रात में हम सो भी लिए खामोशी। फिर सुबह में मैं फिर हरम में आ गया। तो अली रज़ी अल्लाह समझे कि एक दिन का मुसाफिर है, अपना खा पी करके चला जाएगा। फिर शाम में देखे कि लगता है कि तुमको अपना ठिकाना मिला नहीं। कहाँ नहीं मिला, तो चलो फिर आज भी। तो फिर लेकर के आ गए, फिर जो है खिलाए पिलाए, वो कह के नहीं पूछा था मैं भी नहीं पूछा। फिर कल होकर के जब जो है छोड़ने आए हरम में, तो बोले भाई आपका मामला क्या है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, खाली खा लेते हैं चुपके से। तो बोले कि भाई मामला यह है कि राज की बात है, अगर किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे तो बताऊंगा। कहाँ किसी को नहीं बताऊँ, बताओ। बोले कि मैं अपने यहाँ सुना था गफार में कि मोहम्मद नाम का एक आदमी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो नबूवत का दावा किया है। अब मैं अपने भाई को भेजा लेकिन बेवकूफ़ जो है ज़्यादा रिपोर्टिंग सही लाया नहीं, तसल्ली बख्श, तो मुझे खुद आना पड़ा। अब 30 दिन से मैं पड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो आदमी मिल ही नहीं रहा, कोई इंडिकेशन भी नहीं मिल रहा। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा तू सही जगह पर आ गया, कहा आप पहुँचा देंगे, कहा हाँ पहुँचा देंगे, मेरे फिर पीछे पीछे आना और जो है मुझसे बात उत मत करना, तो पीछे पीछे आते रहना, और जिधर मैं घुस जाऊँ ना अंदर तो तू भी घुस जाना, और अगर मैं देखूंगा कि उस गेट पे, क्योंकि मक्के वाले पहरा तो बैठा हुए रहते थे हमेशा, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, कौन मिल रहा नहीं मिल रहा, तो मुझे खतरा महसूस होगा तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि कोई भी मेरे साथ देखेगा तो समझ जाएगा कि ये इन्हीं का ये है। तो मैं ऐसे अजनबी हिसाब से चलूंगा, आगे आगे तो पीछे पीछे आते रहना, और फिर मुझे गेट पे कोई खतरा दिखेगा तो फिर मैं गेट से मुड़ जाऊंगा दीवार की तरफ, अब बहाना बना लूंगा, जूता वूता ठीक कर रहा हूँ मैं, तो तू जो फटाक से अंदर चले जाना ताकि अजनबी बनकर। उन्होंने कहा ठीक। इसी तरह एकदम जो है अजनबी बन के गए, लेकिन इत्तेफाक की बात कोई नहीं था वहाँ पे, तो ये अंदर घुस गए तो ये भी अंदर घुस गए। अंदर जैसे घुसे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सलाम दुआ जो भी होना हो। उसके बाद जो है अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि बताइए आप क्या है आपका मामला, इस्लाम पेश कीजिए मुझे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बात बताई और कुरान पेश किया, तो फौरन उनका दिल खुल गया कि वो तो तलब में ही आए थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपको एक कॉन्सेशन देता हूँ, आप गफार कबीले से बहुत दूर से आए हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्लोज मत कीजिए, ठीक है, आप चले जाइए गफार, और सरदार हैं आप वहाँ पर, आप दीन का काम कीजिए, और जब देखिए सुन लीजिए कि मेरा गलबा हो गया है तब आप आइए, कोई बात नहीं, मैं आपको कॉन्सेशन देता हूँ। उन्होंने कहा कॉन्सेशन वनसेशन की बात हटाइए, कल मैं हरम में जाके ऐलान करूंगा। कहा ये तो जो ऐलान करता तो जानते किसी को नहीं छोड़ते ये लोग, कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं लेकिन इनका दिल तो जलाऊंगा मैं, इस्लाम लाने से इनको तकलीफ होती है तो तकलीफ दूंगा मैं। सुबह में आ या माशर कुरैश साहब आ गए, दम भाई तो बड़ी न्यूज लेके आया, सब लोग जमा हो गए। तब फिर बोले अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तो अबू जहल वगैरह छोड़ेगा, गारे इस बेदीन को मारो,
सब ऐसा टूट पड़े कि इनकी हालत ख़राब कर दे रही। सब लोगों को यकीन हुआ कि तकरीबन ये मर गए हैं, लेकिन अचानक जो है अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। उन्होंने देखा, अरे किसको जो है मारपीट कर रहे तुम लोग, हटाए उठाए देखे, अरे ये तो अबू ज़र है, गफ़ार कबीले का। साहब को डांटे मक्के वालों को, होश के नाखून लो, तुम लोगों को कुछ पता है ये गफ़ार कबीले का सरदार है, और तुम्हारा जो है कैरवान का रूट जो जाता है इन्हीं के गांव से होकर जाता है, हाईवे पे इनका गांव है, तब इनके कबीले वाले तुमको छोड़ देंगे। तब सब लोग छोड़ दिए। फिर किसी तरह इनको जो है होश वगैरह आया, तो सब लोग जो है, जैसे हम लोग जब ऐसे लड़के को मलामत करेंगे, क्या ज़रूरत है अपने आप को काबिल बनने की, ये वो, सब लोग बोले। वो बोले कि तुम हमको समझा रहे हो, हमको मलामत कर रहे हो, कल मैं फिर कहूँगा। अब फिर कल होकर के या माशर कुरैश, फिर आ गए सब लोग, अशहदु अल्लाह इला इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुर। अब फिर सब लोग टूट पड़े, फिर अब्बासी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब फिर बचा। तो जब सब लोग डांटे तो उन्होंने कहा कि कसम खुदा की ये लोग मुझे मेरी निगाह में इतने जलील कभी नहीं थे जितने जलील आज होंगे हमारे, ये हमको क्या हकीर समझेंगे, मेरी निगाह में इनकी क्या वक्त है। तो ये ईमान का जो है एक जज्बा जब अंदर जाता है ना, तो आदमी किसी की परवाह नहीं करता। तो इस तरह बुजुर्ग गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब यसरिब से थोड़ा आस पड़ोस में भी एक सरदार जो है वहाँ चला गया, सुवैद बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से जो है थोड़ा सा मामला ये हो गया था। फिर उसके बाद जो है एक और थे, तुफैल बिन अम्र अद्दौसी, ये जो है यमन के थे, दो तो उधर के हो गए ऊपर के, आ एक यमन के। तुफैल बिन अम्र दौसी जो हैं वो आए मोहम्मद सल्लम के शहर मक्का में, और ये जो है यमन में जो है इनकी सरदारी भी थी, तो मक्के के सरदार वगैरह आवभगत बहुत किए, इनको वेलकम बहुत शानदार अंदाज में किए, जैसे होता है कि यहाँ का मिनिस्टर कोई दूसरे शहर में जाता है तो एक दूसरे के जो प्रोटोकॉल देते हैं, तो मक्के वाले ने अच्छा प्रोटोकॉल दिए एकदम, और आवभगत किए। जब खूब जो हाय हेलो खाना पीना सब हो गया, तो सब लोगों ने जो है उनको एक रिक्वेस्ट किया कि देखिए अभी तो हम लोग आपके सामने बहुत इंजॉय कर रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं। तो क्या दुखी है भाई आप? तो हमारे यहाँ एक नौजवान है, उसने तो सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, घर घर में लड़ाई करा दिया है, जमीयत को मुंतशिर करा दिया है, बाप बेटे में लड़ाई है, शौहर बीवी में लड़ाई है, लेकिन वो है बहुत पावरफुल, जो सुनता है उस पर जादू हो जाता है। तो आप तो बड़े आदमी हैं तो सबसे मिलेंगे ही, अब वो तो ज़रूर आपसे मिलेगा, तो एक रिक्वेस्ट है कि उसकी बात माँ सुनिए मत, क्योंकि रियर चांस है कि कम से कम आप फंस जाएंगे। आइए जो बहुत बड़ा शायर, अब बहुत बड़ा ये, तो उसने कहा कि ठीक है आप लोग का मशवरा है तो मैं नहीं सुनूंगा उसकी बात, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह को मर्जू था सुनना तो कौन बचा सकता था, लिहाजा मैं घर से निकला कि भाई जब आ गया हूँ मक्का तो तवाफ वाफ तो कर लूँ। तो तवाफ वाफ करने गया सुबह सवेरे नहा धो करके, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मामूल था कि चाश के वक्त में जो है नमाज पढ़ते थे। तो अब जैसे राउंड मारता हूँ तो उनके पास गुजरता हूँ तो कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही जाती है। अब प्लानिंग में इतना ज़्यादा किया था कि कान में रुई भी ठूस लिया था, ये कान में कितनी भी रुई ठूस ले लेकिन कुछ ना कुछ तो आवाज़ आ ही जाएगी, आ साउंड्स गुड, आ शायर आदमी। तो जैसे ही गुजरता था तो थोड़ा सा दिल करता सुन लें, लेकिन सबकी याद भी आ जाती थी नहीं सुनने का नहीं। तो पाँच छः मरतबा चक्कर तो लगाए हैं, तो हर मरतबा जो है दिल तो करता था क्योंकि कुरान की आवाज़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़, लेकिन इधर ये भी था कि नहीं सुनना नहीं। लेकिन बर्दाश्त करते करते एक मरतबा जो है अपने आप पे गुस्सा आया कि तुफैल तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि तू खुद बड़ा शायर है, सब लोग तुमको सरदार मानते हैं, तुम जो फकीह आदमी हो, फहम वाले आदमी हो, तो तुमको इतना डर लग रहा कि किसी की बात नहीं सुन सकते तुम? अरे जाके बात सुनो, अगर बात सही रहेगी कबूल करना, बात नहीं रहेगी रिजेक्ट कर देना, वो जो गर्दन दबा के तो तुमको नहीं मनवाएगा, इतना डरते हो बच्चों की तरह। तब उसका मैं जो है एकदम डेयरिंग किया, कान से रुई निकाला, और जब तक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लिए, फिर आकर के बोले कि देखिए पूरे कौम वाले तो आपसे मना किए थे लेकिन मुझे अभी लगता है ये बेगैरती वाली बात है। तो ये सारा पूरा माजरा वजरा सुना दिए, देखिए ये रुई छूस के आया था मैं, तो इसको फेंक रहा हूँ और आप बोलिए कि क्या करना है, आपकी दावत क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुई निकालो तो अच्छे से कुरान सुन लो। कुरान पेश किए तो बिल्कुल जहमह हो गया,
अच्छा ये मामला था जिसके वजह से ये लोग रोक रहे थे, तो फौरन जो है बोले यार सल चलिए आपके घर और मैं आपके ईमान कबूल करता हूँ। तो फौरन जो है घर ले गए, वहाँ पे ईमान कबूल किए और फिर बोले या रसूलल्लाह मैं तो अपने एरिया का मैं सरदार हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरा पूरा एरिया जो है ईमान कबूल कर ले, तो कोई एक निशानी के लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला को मुझे निशानी दे देता तो उसके ज़रिए से मैं पूरे जो है कबीले में ईमान फैला देता। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, दुआ किए तो घर पहुँचने से पहले पहले जो एक निशानी ज़ाहिर हुई वो ये कि उनका चेहरा जो है चिराग की तरह सफ़ेद हो गया। क्या अरे ये तो बड़ी मुसीबत है, कोई क्या बीमारी लेकर के आए हैं। तो उन्होंने फिर दुआ किया अल्लाह ताला ये चेहरे के बजाय कहीं और पे जाए सफ़ेदी आ जाए, तो अल्लाह ताला ने चेहरे से सफ़ेदी हटा करके उसके डंडे में सफ़ेदी दे दिया, तो बड़ी जो निशानी हो गई। फिर वो जो है दावत का काम करते रहे करते रहे। ये जो है खंदक के मौके से जब आए हैं जंग खंदक के मौके पर, तो 80 खानदान उनके साथ ईमान वाले थे, और फिर जंग यमामा में ये शहीद हुआ। तो इस तरह से जो है इनका मामला जो है एक ही हुआ। एक और आदमी था उनका नाम था अबू जर गफारी का हो गया, और फिर जो है तुफैल बिन अम्र दौसी का हो गया, सुवैद बिन सामित का हो गया, एक जमात बिन अज़द नाम का आदमी था, वो भी यमनी टाइप का था। उसने भी कहा कि देखिए मैं जो है झाड़ फूँक बहुत करता हूँ और उसमें माहिर हूँ, मैं एक्सपर्ट। तो वो जब मक्का आया तो उनको भी लोगों ने यही सब बता दिया कि भाई एक आदमी है जो बहुत डेंजर है, जो उनके बात सुनता है तो उनका जो है फैन हो जाता है, तो तुम जो है उसकी बात मत सुनो। तो मैं क्यों बात न सुन, मैं खुद डॉक्टर हूँ और अगर वो बेचारा गरीब है तो उसका इलाज मैं कर देता हूँ, अगर जादू हो गया तो भी इलाज कर देता हूँ, जिन आ गया उसका भी इलाज कर देता हूँ। तो ये ऐसे आदमी जो है जिसको तुम लोग पहले सादिक अमीन कहते थे, अब कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो तुम छोड़ दोगे क्या उसको, ऐसे काम नहीं चलेगा, ला लो मैं उसको इलाज कर देता हूँ। तो खुद ही कहा तुम लोग नहीं मानते तैयार हो तो मैं ही जाता हूँ खुद जा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात किया कि देखिए आपका तो चेहरा मोहरा तो माशाल्लाह है, अब पता नहीं आपको क्या आ गया, जिन आ गया, जिन्नात आ गया, जादू किसी ने कर दिया, तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने के लिए तैयार। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि ठीक है पहले मेरा कलाम सुन लो उसके बाद इलाज शुरू करना। जब वो कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए हैं तब तो जो है कहा कि कसम खुदा की ये जादू उदू तो है नहीं। अब मैं शायरों को भी सुना हूँ, जादूरों को भी सुना हूँ, काहिनों को भी सुना हूँ, इसमें तो कुछ नहीं है। अब फौरन जब ईमान को बोले तो इस तरह से जो है बहुत सारे लोग हैं फटाफट ईमान लेके एक एक इंडिविजुअल करके। अब इसी बीच में जो है आप समझिए कि जब ताइफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं रजब के या रमज़ान के मौके पे जो है 10 नबी को हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला ने के इंतकाल हुआ है। शव्वाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी शादी किए हैं, और दूसरी शादी किन से किए हैं, हज़रत सौदा बिनत ज़मा रजी अल्लाह ताला ने शव्वाल के महीने 10 नबी में, क्योंकि अर्जेंट में शादी करना बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जवान बेटियाँ थीं, हज़रत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा संभालती थी उनको, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दिन बाहर दावत का काम करते थे, अब हज़रत खदीजा चली गई तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बाहर जो है ज़्यादा टाइम रहना है, अब पड़ोसी अच्छा नहीं था कोई, तो यकीनी बात है कि घर में एक जो है खातून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा फ़ौरन मशवरा दिया कि आप कहीं जो है एक खातून से शादी कर लीजिए, क्योंकि ये बच्चियाँ हैं इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए। तब जो है ये जो हज़रत सौदा रजी अल्लाह ताला ने बहुत लंबी चौड़ी डील डॉल वाली थी, और ये जो अपने शौहर के साथ जो है हबशा गई थी हिजरत करके, और सकरान बिन अम्र इनका शौहर था वो वहीं इंतकाल कर गया, तो ये बेवा थी, इनकी दिलजोई भी करनी थी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको से शादी कर लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी लाइफ में 11 शादियाँ किए हैं, लेकिन एक ही कवारी लड़की से शादी किए हैं, बाकी सारे बेवा से। और हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में कोई दूसरी निकाह नहीं किया, 50 साल की उम्र तक एक ही वाइफ, उसके बाद जो शादियों का जो है सिलसिला शुरू हुआ है, तो दूसरी शादी जो है हज़रत सौदा रजी अल्लाह ताला। और फिर जो है मैं बताया कि ताइफ के बाद अल्लाह ताला के स्पेशल ब्लेसिंग शुरू हो गया था, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका मा क़ला वल आख़िरतु खैरुल लक मिनल अूला,
आने वाला दौर पिछले दौर से बेहतर होगा, तो हज़रत खदीजा का बदल कहाँ होगा? तो अल्लाह ताला ने कहा उसका भी बदल हम कर देते हैं। अब वो बदल क्या है कि 1190 में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने से शादी हुई, और वो सिर्फ 6 साल की थी तो निकाह हुआ। तो अब लोगों को ताज्जुब लगता है कि 6 साल की बच्ची से कैसे शादी कर ली, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने से बोले तो दोबारा वो सोचे भी नहीं, फटाक से हाँ बोले। तो उसमें मसला ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने से जो शादी हुई है वो जो है नॉर्मल अंदाज में नहीं हुई है, वो एक अलग जो है फेनोमेना था, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जो है गिफ्ट था, और गिफ्ट जो था मेरे लिए भी था और दीन के लिहाज से भी था, कि एक जो है स्लीन क्लेट वाली औरत चाहिए थी, लड़की चाहिए थी जो हमारे पूरे जो है घरेलू दीन को जो है समेट करके औरतों तक मुंतकिल कर सके। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए मुझे इशारा दिया, मुझे क्या पता कि 6 साल की बच्ची मेरी बीवी बनेगी। वो अल्लाह तबारक व तआला बार बार मुझे ख्वाब में दिखा रहा था, एक फरिश्ते जो है एक पैकेट लाते थे गिफ्ट का और उसको खोला जाता था तो वो हज़रत आयशा की शक्ल होती थी, और वो जो है फरिश्ते कहते थे या रसूलल्लाह ये आपकी बीवी। तो एक मरतबा देखे, दो मरतबा देखे, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन हो गया कि अगर अल्लाह ताला ने लिख दिया है तो फिर शादी होकर रहेगी, और नबी का वही जो हो ख्वाब जो होता है वही होते हैं, लिहाजा अब इसको तो बोलना ही बोलना था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से शेयर किए कि इस तरह का ख्वाब मैं देख रहा हूँ, नबी का ख्वाब सच होता है, तो आप अल्लाह ताला यही चाह रहा है कि हम उससे शादी करें चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इससे बड़ी क्रेडिट की बात क्या हो सकती है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्रेडिट की बात। तो फौरन निकाह पढ़ा दिया गया, लेकिन उस वक्त बच्ची थी तो लिहाजा उस वक्त रुख्सती नहीं हो सकती थी, रुख्सती नहीं हुई। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँच गया है तब जा करके ये 9-10 साल की हो गई, तब रुख्सती करा दी गई। तो इस लिहाज से दो जो है शादी मक्के में हुई। उसके बाद जो है ये सब जो है एक एक करके ईमान ला रहे थे कि अब जो है अल्लाह ताला ने कहा कि आप स्पीड पकड़ते हैं, और स्पीड क्या है कि अब टीम वर्क जो शुरू होगा और टीम ईमान लाएगी। तो उसमें क्या है कि मदीने यसरिब की खिड़की खोल दी गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था कि दिन में दावत का काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो है जैसे बात शुरू करते थे कोई जो है हिंदू टपक पड़ता था, मुश्रिक टपक पड़ता था, बात होने नहीं देता था, और ख़ास तौर से अबू लहब तो जीने नहीं देता था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रूटीन क्या बनाए थे कि हज के मौके से जो भी हाजी उम्र आएंगे तो मीना में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, तो रात की तारीकी में जा करके टटोलते थे और फिर उनसे बात करते थे। उसी में जो है एक मौका मिल गया, यसरिब से 6 नौजवान आए हुए थे, अब मीना की घाटी में जमरा उकबा ओला के पास जो है ये लोग आपस में रात में कपास्टिंग कर रहे थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे वहाँ से, तो बोले कि भाई आप लोग कौन हैं? तो बोले कि हम लोग जो है खजरज के लोग। अच्छा, खजरज के यहूद के हलीफ दोस्त? कहाँ? तो कहा जब ये बात है तो थोड़ी सी बात हो जाए। हाँ वेलकम, आइए। तो फिर बैठे, बात उठ हुई, तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान पेश किया। कुरान जैसे ही पेश किया तो दिल में बात उतर गई। फिर ये लोग इंडिकेशन भी आँखों से एक दूसरे से जो है मशवरा लिए। वो मशवरा क्या लिए कि ये लोग यसरिब के थे, मदीना जो बाद में उसका नाम पड़ा, मदीने में जो है 5 कबीले थे, 2 अरब के और 3 जो है यहूद के, बनू नज़ीर, बनू कैनका, बनू कुरैज़ा, और जो है अरब के 2 कबीले औस और खजरज, और औस और खजरज वाले आपस में बहुत लड़ाई करते थे। ये 10 और 11 नबी के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, अभी एक वाक्या भी सुनाऊंगा। तो अब ये लोग आए थे तो पहले तो जो नॉर्मल हालत रहती थी औस खजरज वाले आपस में लड़ते थे और उधर यहूद वाले आपस में लड़ते थे, लेकिन अगर मामला गर्म हो जाता था तो ये दोनों एक हो जाते थे और वो तीनों एक हो जाते थे और दोनों आपस में लड़ते थे। तो ये 5 ट्राइब का शहर था यसरिब, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी, मतलब सिचुएशन मामला ऐसा था कि यहूदी लोग जो है पैसे में बहुत ज़्यादा थे, बनिया टाइप के थे, और जो है सूद पे पैसा देते थे तो पैसा से पैसा खूब कमाते थे, और ये जो है अरब वाले बिंदास टाइप के थे, मारपीट किए, खाए पिए, एकदम उड़ा दिए, फिर पैसा ज़रूरत पड़े तो फिर कर्ज ले लिए। अब सूद के तौर पर जो उनको बिल्कुल तकरीबन गुलाम बना दिए थे, लेकिन जब इनका मूड खराब होता था तो फिर पीट पाट भी रख देते थे। अब जो पैसा वाला होता बनिया टाइप का, वो हिम्मत लड़ने में तो बहादुर होता नहीं है,
जिसके पास कुछ नहीं रहता उसको खोने के लिए कुछ नहीं रहता, फौरन मैदान में आता है। तो ऐसे तो जो है पूरा इन्फ्लुएंस यहूद का रहता था मदीने पे, कर्ज के जरिए से सबको दबा कर रखते थे। लेकिन जब इनका दिमाग खराब हो जाता था, बत्ती जो है जल जाती थी, तो फिर जो है पीट पाड़ कर रख देते थे। तो जैसे औस खजरत वाले मारते थे इनको, तो यहूदी लोगों की हिम्मत नहीं थी कि मैदान में आके लड़े, तो सिर्फ धमकी से काम चलाते थे। अच्छा ठीक है, अभी तो तुम हम लोग को मार पीट देते हो, ये कोई बात नहीं ये वो, लेकिन आखिरी रसूल के वहाँ आने का वक्त बिल्कुल करीब है, हम लोग तो बेसब्री से उसके इंतज़ार में हैं। आज जिस रोज आ गया तो फिर उनके साथ मिल करके जब हम जंग करेंगे ना, तो तुम्हारी ईट सीट बजा देंगे। यही धमकी पे जो है मामला ख़त्म होता था, जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन कम से कम अपने इज्जत गैरत का इसी के जरिए भरम रख लेते थे। तो ये इनका जो है सुन सुन करके कान पक गया था, ये कब आएंगे, कब तुम हमको बदला लोगे, जब भी हम मारते हैं तो जो है खाली मार खाते हैं। तो ये बात जो है इन छियों नौजवानों को याद आ गई कि ये भी कह रहे हैं मैं रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है ये वो, और यही चीज़ें बार बार आखिरी रसूल हूँ, और यहूदी यही धमकाते रहते हैं कि आखिरी रसूल आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, और फिर तुम उनके हम उनके साथ जो है लड़ेंगे तो कोई उनसे जीत नहीं पाएगा। तो ऐसा करते हैं कि यहूद पे तो जब बात खबर जाएगी जाएगी, हम ही लोग इन पर ईमान ले आते हैं, आ इनके साथ मिलकर के और पिटाई करते हैं। तो सारे लोगों को बात जो है समझ में आ गया, हाँ पहले जो है मामला को हाईजेक कर लो और आगे बढ़ जाते हैं। लिहाजा सारे लोग बोले कि डन, या रसूलल्लाह आप पर ईमान लाते हैं। तो कह के बहुत अच्छी बात। तो ये सारे लोग कलमा वहाँ पे पढ़ लिए और फिर उसके बाद जो है ईमान ले आए। फिर नेक्स्ट ईयर जो है, और ये औस खजरज के दरमियान एक जंग थी, वो जंग बुआस, उसका भी एक वाक्य सुन लीजिए, 10 और 11 के बीच में हुई थी। तो उसमें से जो औस जो है कमज़ोर कबीला था, खजरज जो बड़ा कबीला था, तो खजरज वाले मारते बहुत थे औस वाले को नॉर्मल हालात में। तो औस वाला जो है वो कुरैश से जो मुआहदा करने के लिए आया था कि भाई हमको औस वाले बहुत मारते हैं, तो आप जो है हमारे दोस्त बन जाइए, जब भी झगड़ा होगा तो आप हमारा साथ दीजिए। तो उसमें से जो है एक सरदार था, वो ये बात करने के लिए मीना में आया ही हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुलाकात हो गई कि आप लोग किस लिए आए हैं। तो वो बताया कि भाई जंगे बुआस जो है होने वाली है, एक जंग, औस बड़ा कबीला है, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे प्लानिंग, तो कुरैश से जो है हम लोग दोस्ती करने आए हैं कि जब अगर जंग छिड़ जाए तो कुरैश वाला हमारा साथ दे, इलाय बन जाए, तो हम जो है अच्छी तरह मुकाबला कर सकेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इससे बेहतर बात मैं पेश करूँ तो आप पेश कीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इस्लाम की दावत पेश किए और कुरान पेश किए, तो उसका जो लीडर था उसने कहा कि पूरे वफ्द से कि मेरी बात मानो, इस आदमी पर ईमान कबूल कर लो, और इनके पास जो कलाम है ना इससे तो पूरा अरब यूनाइट हो जाएगा। लेकिन उसमें जो एक आदमी था अबुल हैसर नाम का, उसने मिट्टी उठाया एक मुट्ठी और मुंह पे मार दिया, सर बकवास बंद करो, हम लोग जिस लिए आए हैं वो काम करो, ये तुम ईमान उमान की बात कहाँ करने में। तो इस लिहाज से उनका जो है वो फ्लॉप हो गया। तो ये जंगे बुआस जो है होने वाला था और हुआ भी बाद में, और उसमें बुरी तरह ये लोग जो है कमज़ोर हो गए थे। तो इस लिहाज से जो है 1190 में 6 लोग ईमान को बोले। फिर ये लोग चले गए, बोले कि या रसूलल्लाह आप तो साल के बीच में हम लोग आ ही नहीं सकते क्योंकि रास्ता जो है सेफ है नहीं। नेक्स्ट ईयर जो है ये लोग 12 लोग आए, 6 में से जो है 5 वही थे प्रीवियस वाले, एक नहीं आया, अब बकिया 7 नए आदमी आए। क्योंकि ये लोग 6 आदमी जब गए यसरीब तो अपने लेवल पे जो धीरे धीरे काम कर रहे थे, किसी किसी को कन्विंस कर रहे थे, तो ये 10-12 आदमी को कन्विंस कर पाए और बोले ईमान कबूल करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब फिर उसी मीना की घाटी में जाके मिले, क्योंकि आम जगह पे मिल नहीं सकते थे। जब मिले हैं तो फिर वो लोग कहे कि या रसूलल्लाह बैत कीजिए, तो हम लोग आपसे किस बात पे बैत करें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ का जो है मुआहदा लिया उनसे कि बैत करो इस बात पे कि तुम जो है अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, नंबर 2 तुम लोग चोरी नहीं करोगे, नंबर 3 जना नहीं करोगे, नंबर 4 किसी को अपने औलाद को नाहक कत्ल नहीं करोगे, नंबर 5 किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाओगे, बहतान नहीं तराशो, और नंबर 6 मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। कितना सॉफ्ट है ये, आप लोग सोच रहे होंगे कि तो पूरा फुलफिल है हमारा, लेकिन इसको कहते हैं बैतुन निसा और लेडीज़ बैत।
जो आम तौर से एक गुड कैरेक्टर वालों के लिए ये होना चाहिए कि वो चोरी ना करे, जिना ना करे, अपने औलाद का नाहक कत्ल ना करे, किसी को इल्ज़ाम ना लगाए, रसूल की नाफरमानी नहीं करे, ये सूरह हुदैबिया के बाद जो ये सूरह नाज़िल हुई उसमें ये बैत के अल्फाज भी अल्लाह ताला ने नाज़िल किए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैत के अल्फाज को फिक्स कर दिए लेडीज़ के लिए। लेडीज़ से जब भी बैत ली जाती थी तो इसी बात बात। अब फिर जो मर्द वाली जो बैत है वो इंशाल्लाह मैं अभी बताऊँगा। उसके बाद जो है ये लोग जब जाने लगे तो बोले या रसूलल्लाह हम लोग तो पिछले साल भी गए थे तो हमारी बात में तो उतना दम नहीं है, हम लोग को उतना मालूम भी नहीं, नॉलेज भी नहीं है। तो लोग जो काउंटर क्वेश्चन एक दो कर देते तो हम लोग लाजवाब हो जाते हैं, तो आप अपने शागिर्द में से कोई एक्सपर्ट को भेज दीजिए हमारे साथ ताकि वो हमको जो है नॉर्मल हालात में दीन भी बताया करेगा और फिर जो दावत का काम भी करेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने एक ख़ास शागिर्द बिल्कुल जो नौजवान को भेजे और उनका नाम था मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला। बहुत टैलेंटेड नौजवान थे और ये बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ही शौकीन मिजाज थे। जब ये ईमान लाए हैं तो इतने मालदार थे, इनके वालिद का तो इंतकाल हो गया था लेकिन प्रॉपर्टी इतने छोड़ के गए थे कि जिस मार्केट से निकल जाते थे ना तो खुशबू से लोग समझ जाते थे कि मुसअब गुजरा। और इनका कपड़ा जो शाम से सिल के आता था, जैसे मोतीलाल नेहरू का कपड़ा जो पेरिस से सिल के आता था वैसे इनका कपड़ा शाम से सिल के आता था, इतने ज़्यादा जो है पैसे वाले थे। और जब ये शहीद हुए हैं ना जंग उहद में तो आपको पता होगा कि एक सहाबी आकर के रोते रोते इन्फॉर्मेशन दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलल्लाह मुसअब बिन उमैर की लाशें रखी हुई हैं तो दफना दो। कैसे दफनाए उसको, क्या प्रॉब्लम है दफनाने में? या रसूलल्लाह उसके पास जो जिस्म पर तो एक ही चादर है और वो भी इतनी छोटी है कि अगर सांप सर ढांकते हैं तो पांव खुल जाता है, पांव ढांकते हैं तो सर खुल जाता है। अब आप देखिए कि ईमान लाने से पहले जो है कितना मालदार शख्स और दीन के वजह से कम होते 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 यहां तक आ गया कि तन ढांकने के लिए कपड़ा तक नहीं था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिल भर आया, मुसअब की याद आ गई। वो यकीनी बात है जवानी में जब वो गुजरते रहे होंगे तो उनकी हालत देख रहे होते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सर पे चादर डाल दो और पाँव पे जो है घास डाल करके दफना दो। तो ये मुसअब बिन उमैर, इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हमारा सबसे एक्सपर्ट बंदा है, ले जाएंगे। ये जब गए हैं तो इतना जो है मुस्तैदी से काम किए हैं, असद बिन जुरारा के घर पे ये उतरे हैं और वहाँ से जो है दोनों मिल करके काम शुरू किए हैं, काम शुरू किए हैं तो रात दिन एक कर दिया, डेली के एक ना एक जो है अपने दामन में लेके आ जाते थे। और दो जो है एक वाकया है वो मैं सुनाना बगैर नहीं रह पाऊँगा। साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसैद बिन हुज़ैर ये बनी अब्द अशल ख़ानदान कबीले के सरदार थे दोनों। तो असद बिन जुरारा जो थे ये दोनों निकले कि चलते हैं आज किसी से भी मुलाकात होगी उनको दावत पेश करेंगे। तो ये लोग एक बाग में एक कुएँ के पास जाकर बैठ गए। और किसके कुएँ के पास बैठे तो जो है साद बिन माज रज़ील्ला उनके एरिया में जाकर के बैठ गए कि चांस मिलेगा तो उनको देंगे। अब वो बहुत ज़्यादा डेरिंग बाद और बेहद पॉपुलर जो है अपने कबीले के सरदार थे। असद बिन जुरारा और साद बिन माज जो है दोनों रिश्तेदार थे, खालाजाद भाई थे। तो अब ये लोग दोनों बैठे हुए थे इस पे कुएँ के पास कि साद बिन माज रज़ील्ला ताला निगाह पड़ गई इन पर, इन दोनों पर बहुत दूर ही से झलक दिख गई। और ये साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला के साथ में उज़ैद बिन हुसैर हुसैर रज़ी अल्लाह ताला तो ये दोनों दोस्त थे और दोनों एक ही लेवल के थे। तो साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला ने उज़ैद बिन हुसैर को बोले कि ये दोनों तो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, हमारे बेवकूफ़ों को तो बहका रहा है, सारे नौजवानों को अपने तरफ खींच रहा है, तो तुम जाओ और दोनों को डांट के भगा दो। और ये चूँकि जो है असद जो है ये मेरा जो रिश्तेदार है, खालाजाद भाई है, इसलिए मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मेरा भाई नहीं रहता तो मैं तो खुद ही जा करके डांट टपट देता, लेकिन चूँकि मेरा खालाजाद भाई है लिहाजा तुम जाओ उसको डांट दो, कहा दोबारा दिखना नहीं चाहिए। तो ये गए इधर, आइए अपनी मजलिस लगा के बैठ गए, काफ़ी दूर मामला था, सिर्फ झलक दिख रही थी। तो जैसे वो आ रहे थे दम दो है, वो समझे कि हथियार उथियार तो पहले ही रखते ही थे वो लोग हाथ में। तो असद बिन जरारा मुसअब बिन उमैर को बोले कि देखिए बहुत गुस्से में आ रहा, तो ये नाक को खुला के आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको कन्विंस कर दिए ना तो फिर समझिए आधा यसरिब आपका है।
आके ठीक है ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। वो आते ही पहले तो बरस पड़ा कि ये हमारे नौजवानों को बहकाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, ये वो फलां ढिका दोबारा दिखना नहीं चाहिए। तो मुसब बिन उमैर ने कहा कि भाई जान एक मिनट आप मेरी दो चार बातें सुन लीजिए, आप सरदार लेवल के आदमी हैं, अच्छी लगे तो मान लीजिए, नहीं लगे तो हम नहीं मानिए, फिर हम दोबारा नहीं आएंगे आपके पास। कहा यार बहुत लॉजिकल बात है तुम्हारी, इंसाफ वाली बात, ठीक है बैठता हूँ मैं, सुना ये बात। सुनाना क्या था, उन्होंने कुरान पेश कर दिया। कुरान पेश किया तो इधर जो है मुसब बिन उमैर से कुरान पढ़ रहे थे, और उधर जो असद जो है उनके जो प्रोटेक्टर थे वो कह रहे थे मैं अभी चेहरा देख ही रहा था कि मैं चेहरे ही से अंदाज़ा लगा लिया चेहरे की चमक दमक से कि ये क्या बोलने वाला है। जैसे ये कंप्लीट किए वैसे उसने कहा कि अरे भाई ये कितना शानदार कलाम है, ये बस बताओ कि इस्लाम लाने के लिए करना क्या पड़ता है। क्या करना क्या पड़ता है, जाइए गुसल कीजिए, पाक साफ कपड़ा पहनिए, कलमा पढ़ लीजिए, बस हो गया, कोई फीस नहीं, कोई फॉर्म नहीं। वो जो है क्या ठीक है, वो तो बाद में करेंगे, पहले मैं जाता हूँ उधर रिपोर्टिंग देने की। ये उठ के गएगा, बोले कि देखो मैं तो थोड़ा छोटा सरदार, बनी अब्दुल अशल का असल सरदार जो है वो साद बिन माज है जिसने मुझे भेजा है, अगर उसको तुम ट्रैप कर लिए तब तो पूरा कबीला तुम्हारा है क्योंकि उसकी बात तो सब लोग मानते हैं। तो कहा ट्राई करेंगे, हम लोग तो कोशिश ही कर सकते, हिदायत देना ना देना ये अल्लाह के हाथ में। तो ये लोग जब जाने लगे तो साद बिन माज अपने महफिल में कह रहे हैं कि ये जो आदमी गया है उसैद बिन हुजैर, कसम खुदा की जो चेहरा लेके गया था वो चेहरा लेके नहीं आ रहा है, ये मामला गड़बड़ हो गया। तो जब करीब हुए तो बोले कि क्या हुआ तुम्हारा, भगा उसको, हाँ जो है हमको तो कुछ ऐसा खराब लगा नहीं, हम बात दोनों आदमी तो ठीक ही ठाक है, लेकिन आप बोले हैं तो मैं जो मना कर दिया कि दोबारा दिखना नहीं चाहिए आपको। तो वो लोग भी बोले कि ठीक है हम दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि एक कबीला वाला है वो जो है असद को जो है मारने के लिए तुला हुआ है, किस लिए मारने के लिए तुरा हुआ है, क्योंकि वो आपका खलेरा भाई है। अरे किसकी हिम्मत है मार देगा मेरे भाई को, हाँ नहीं हो तो जो है आपका दुश्मन कबीला तुला हुआ उस पर, कहा देखता हूँ मैं जाता हूँ। वो बेचारा यहाँ पर आ गया, लेकिन ये रास्ते ही में समझ गया, साथ में बात खुद ही बोलते हैं कि मैं समझ गया था कि ये चाल थी मुझको भेजना चाह रहा था उसके पास, लेकिन मैं कहा अभी जाता हूँ, आ इसको जो है गुस्सा से जो है डांट पड़ के भगाता हूँ। तो वैसे ही गया, पहले जो है खूब सुना उन दोनों को कि तुम लोग हमारे नौजवानों को बेवकूफ़ बनाते हो, ये करते हो, बरगलाते हो, ये कराते हो, अब बाप दादा के दिन से मुतनफिर कराते हो, कोई काम नहीं किया तुम लोगों को। जब हम लोग खामोश, मैं खामोश हो गया, तब फिर मुसब बिन उमैर बोले कि भाई दो मिनट तो मुझे दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो कबूल कर लीजिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, कौन सी ज़ोर ज़बरदस्ती है। तो भाई बहुत लॉजिकल बात है, बोलिए क्या। उन्होंने कुरान जो है पेश किया तो असद बिन ज़ुरार कहता कि फिर मैं इनके चेहरे पर निगाह टिकाए हुए था, यहाँ यह इनका कंप्लीट नहीं हुआ कि चेहरे की चमक दमक से मैं समझ गया कि ये भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। लादा जैसे मुसब बिन उमर तिलावत ख़त्म किए हैं वैसे उनका भी एग्जैक्ट वही जवाब सवाल था जो उनके दोस्त का था कि इस्लाम लाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या बस गुसल कर लीजिए, पाक साफ कपड़ा पहन लीजिए, है तो कोई बात ही नहीं है, और फिर कलमा पढ़ लीजिए। तब फिर बोले कि जो है मैं जाता हूँ अपने कबीले वालों के पास और फिर उनसे बात करता। अब कबीले वालों के पास गए हैं तो बोले कि लोगो मैं तुम्हारी निगाह में कैसा आदमी हूँ, तो सब ने कहा सबसे जीनियस, तभी तो आपको सरदार मानते हैं और आप हमसे खुश भी हैं, हम आपसे रियली में हाँ सबसे बड़े, आप जहीन हैं, फतीन हैं, सब चीज़ हैं, ऑनेस्ट भी हैं, अच्छे भी हैं, हम लोग लाइक करते हैं आपको। तो अगर ये मामला है तो फिर ये बात सुन लो, आज से मेरे और तुम्हारे दरमियान बातचीत हराम, नो कम्युनिकेशन, जब तक तुम लोग ईमान नहीं लाते। अगर मुझे सरदार मानते हो, मेरे इंटेलेक्ट पे जो भरोसा है, तो फिर सही चीज़ को कबूल करो, वरना मेरा तो कोई रिश्ता नहीं। तो सब लोग तो देर लगाए लेकिन धीरे धीरे सारे लोग ईमान कबूल करना शुरू किए, फिर पहले मेरे वालिद कबूल किए, फिर मेरी बीवी कबूल किए, धीरे धीरे सारे लोग जो है ईमान कबूल कर लिए, सिर्फ एक आदमी कबूल नहीं किया, उसका नाम था उसैरम। वो कब तक नहीं कबूल किया, जंग उहद तक कबूल नहीं किया, लेकिन जंग उहद के जब जंग जो है तैयारी होने लगी तब वो आ गया इस्लाम कबूल करके मैदान में, और जो है वो ईमान कबूल किया है, अब मैदान में आया
और अल्लाह को प्यारा भी हो गया, शहीद हो गया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में बशारत दिए, ये उसैरम जो है दुनिया का सबसे लक्की इंसान है, अमल कम इनाम ज़्यादा, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, ना एक महीने का रोज़ा रखा, कुछ नहीं है, जन्नत ले गया। जो लोग उसी वक्त ईमान ले आते हैं उनको तो कितने रोज़े नमाज पढ़ने पड़े, ये तो बस ईमान को बोले जंग में शहीद हो गए, जन्नत में चले गए, अमल कम है, देखो आप फिर जो है इनाम कितना बड़ा पा गए, शहादत का पा गए। तो इस लिहाज से जो है फटाफट ईमान कबूल करना लोग शुरू कर दिए। अब तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ही पड़ गया मुकरी, यानी टीचर के माने में। तो वो आते थे ना तो जाल मुकरी, जाल मुकरी, कुरान पढ़ाने वाला आ गया, कुरान पढ़ाने वाला आ गया, कुरान पढ़ाने वाला आ गया, उनका जो है टीचर का लकब ही पा गया वो। अब ये तो अंदर से इतने एक्साइटेड थे कि खाली हज का मौका आया, मैं गुड न्यूज़ दूँ मोहम्मद सल्लम को, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी मिली। वरना तो आप देखें मोहम्मद सल्लम मक्के में कितने साल कर रहे थे, लेकिन एक एक इनको लग गया था कि 100 से तो वो अबव हो ही गया है, लिहाजा हज से भी पहले ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और जल्दी से आकर के गुड न्यूज़ दिए, या रसूल अल्लाह बहुत बड़े अचीवमेंट मिली है, और इंशाल्लाह इस बार हज में आप जब देखेंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे। क्या अच्छा ठीक है देखते हैं। हज में जब ये लोग आए हैं तो यसरिब से पूरा काफिला चला है, तो उसमें ही गैर मुस्लिम भी थे मुसलमान भी थे, तो गैर मुस्लिम तो कई हज़ार के तादाद में थे, लेकिन उसमें से जो है 75 मुसलमान भी थे। तो 75 मुसलमान जो साथ में चल रहे थे, तो उसी बीच में ये लोग जो है आपस में मिल करके प्लानिंग बना ली, चलते चलते बात करते हुए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब तक जो हम लोग ऐसे छोड़े रहेंगे मक्के में, कोई कुछ करता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ करता है, सही प्रोटेक्शन नहीं है, ये है, हम लोग मदीना में इतना आराम से रहते हैं, हमारा रसूल जो है मक्के में जो है पुरसान हाल नहीं है, तो ऐसा करते हैं ना कि ले आते हैं अपने यहाँ। तो वहीं रास्ते ही में प्लानिंग सबकी बन गई कि इस बार रिक्वेस्ट रख देंगे। तो फिर ये लोग जो है मदीना पहुँचे, वहाँ मक्का पहुँचे, नॉर्मल हालात में तो मिल नहीं सकते थे, तो इक्का दुक्का करके पहले मिलना शुरू हुए। फिर मिलने के बाद जो है मीना के दिन जो अय्याम तशरीक की जो एक रात होती है 12वीं रात, उस रोज रात में डेट फिक्स हुई कि या रसूलल्लाह आपसे हम लोग पूरे जितने लोग मुसलमान हुए हैं सब लोग एक साथ आपसे मिलना चाहते हैं। तो मोहम्मद साहब पूछे तकरीबन कितने लोग होंगे तुम लोग, तो बोले कि 70 से ज़्यादा होंगे। तो बोले 70 से ज़्यादा एक जगह जमा होंगे, कुरैश वाले को तो भनक लग ही जाएगी, तो रात के तिहाई हिस्से ही में हो पाएगा, और भी मीना की घाटी में जो इधर कोई नहीं जाता। बोले हाँ चलेगा। अब बिल्कुल राजदारी से एक एक करके जो है जैसे परिंदा अपने घोंसले से एकदम आसानी से इजीली निकल, ऐसे निकल कर आना जवान, किसी को भनक नहीं लगने पाए। तो बोले हाँ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, दम जो है किसी को पता ही नहीं चलने लगे। ये लोग जो धीरे धीरे जमा हो गए दम, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, लेकिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने बोले नहीं मैं भी चलूँगा, मेरा भतीजा जो है जा रहा है रात में, तो मैं जो है रिक्स नहीं लूँगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलिए आप भी। जब आए हैं तो सारा मजमा जो है मौजूद था, तो वो लोग जो है रिक्वेस्ट रखे या रसूलल्लाह के हम लोग आपको ले जाना चाहते हैं। तो अब्बास रजी अल्लाह ताला ने पहले ही बोले कि देखो भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है हमारे यहाँ वो तुम लोगों को मालूम है, अभी तक हम लोग प्रोटेक्शन तो दे ही रहे ना, तो जैसे चल रहा कम से कम, लेकिन तुम लोग अभी इरादा के इजहार कर रहे हो कि हम ले जाना चाहते हैं, तो ले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं संभाल पाओगे तो फिर जो है रहने दो, हम जैसे होता हम जो है टूटे फूटे अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, वो अपने खानदान के बीच में है, तो मतलब इनको ले जाने का मतलब समझ रहे हैं ना तुम लोग, हाँ समझ रहे हैं। तो उसमें में से जो सरदार थे 70-75 के, उन्होंने कहा 75 थे, 73 मर्द और 2 औरतें थी, उम्मे अम्मारा उम्मे मुनी बकियत, उन्होंने कहा या रसूल इनको जाने दीजिए, आप बोलिए क्या है। तो बोले कि अगर तुम हमको ले जाना चाहते हो तो चंद बातों पर मुझसे बैत करो, वादा करो। तो बोले बोलिए क्या वादा करना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4-5 कंडीशन रखे, ये मर्द वाली बैत हो रही है कि इस बात पर बात मुआहदा करो, बैत करो मुझसे कि चुस्ती और सुस्ती हर हाल में मेरी बात सुनोगे और मानोगे। क्या डन। नंबर 2, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे। क्या डन। हर हाल में अमर बिल मारूफ करोगे, नहीं अनिल मुनकर करोगे। डन। अल्लाह के लिए मैं जब खड़े होने के लिए कहूँगा खड़े हो जाओगे, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे। उन्होंने कहा डन। और जब मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ और हमारे दुश्मन हम पर टूट पड़े
تو جس طرح تم اپنے مال اور اولاد وغیرہ کا جو حفاظت کرتے ہو جن چیزوں سے ان چیزوں سے میری حفاظت کرو. تو انہوں نے کہا ڈن, تو اس پہ بیعت کرو. جب بیعت ہوئی تو کہ ہاتھ بڑھائیے, ہاتھ جیسے بڑھانے کے لیے اٹھے پھر ایک جو ہے اسی میں سے کھڑا ہو گیا جو زیادہ سمجھدار تھا. انہوں نے کہا کہ مدینے کے لوگوں یا صرف کے لوگوں ایک مطلب پھر سوچ لو کہ ان کو لے جانے کا مطلب ہے موت کو دعوت, تمہارے اشراف قتل ہو جائیں گے, تمہارے مال تباہ ہو جائیں گے, تو اگر نہیں آخری دم تک نبھا پاؤ گے تو اسے بہتر ہے چھوڑ دو, اور اگر ان تمام اشرافیہ کے قتل ہونے کے لیے مال کی تباہی کے لیے بربادی کے لیے تیار ہو تو گڈ. تو پھر جو ہے برا بن معرور ایک صحابی, اسی میں صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی بات کا متاثر مت ہوئی, ہم لوگ جو ہے مرد کی اولاد ہیں, ہتھیار ہمارا کھلونا ہے, آپ ٹینشن نہیں لیجئے, جیسے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کریں گے, آپ ہاتھ تو پیش کیجئے. اور یہ بتائیے کم سے کم, اچھا ایک بات بتا دیجئے کیا, اگر یہ سارے چیز ہم قربان کر دیں گے آپ کے لیے تو ہم کو ملے گا کیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت. بولے بس ڈن, اور کیا چاہیے, لائیے ہاتھ. پھر ہاتھ بڑھا کھڑے ہوئے, پھر ایک صحابی جو اسد بن زرارہ تھے وہ کھڑے ہو, نہیں پھر دوبارہ سوچ لو تم کہ ان کو لے جانے کا مطلب ہے موت, کہ رسول کو لے جانے کا مطلب جو ہے یہ سمجھے مہمان نہیں جا رہے ہیں, یہ پوری دنیا سے دشمنی کا ایک جو ہے تمغہ لے جا رہا ہوں, اگر نبھا دیے جو تم سے بہتر کوئی نہیں, نہیں نبھا پائے تو تم سے بدتر کوئی نہیں, سوچ لو. پھر بولے یا رسول اللہ ہم سوچ لیے, بڑھائیے, تب جا کر کے یہ بیعت ہوئی. تو اس کو بیعت عقبہ ثانیہ بولتے ہیں. تو اس طرح سے جب بیعت مکمل ہو گئے ہیں تب اتنا بڑا جو ہے مہم جو ہے شیطان کو تو نہیں برداشت ہوگا, شیطان کو بھنک لگی اور یہ تو سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ ایک ایک کر کے نکل جاؤ, اور دو جو عورت تھی اس سے ہاتھ میں جو ہاتھ ڈال کے بیعت نہیں لی. بیعت کیا ہے کہ ایک ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیچ میں اس کا ہاتھ, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر اللہ کا ہاتھ. بات سمجھ میں آئے, یہ جو میرے ہاتھ پہ دے رہا ہو قربانی دینے کا جو عزم کر رہا ہو تو یہ مجھ کو نہیں دے رہا ہو, یہ اللہ کو دے رہا ہو, لیکن کس کے ذریعے تم قربانی دو گے تو میرے اکارڈنگ دو, لیکن قربانی کس کے لیے دے رہا ہو تو یہ اللہ کے لیے دے رہا ہو, انعام کس سے ملے گا وہ اللہ سے ملے گا, مجھ سے کچھ نہیں ملے گا. تو اس لحاظ سے بیعت یہ تھی. تو اب عورت کا معاملہ آیا کہ وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی بھی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں, تو ان سے جب بس نارمل انداز میں خالی قول و قرار کرا دیا گیا, اور بقیہ سارے مردوں سے بیعت لی گئی کہ موت علی البیعت والا معاملہ تھا. شیطان کو پتا چلا, یہ سب جو دھیرے دھیرے اپنے اپنے گھر جو ہے خیمے میں جانے لگے, تو شیطان کو لگا ارے جی تو موت علی البیعت کر لیے, پورے قریش سے تب لڑنے کے لیے تیار ہو گیا, اب تو ان کو کوئی روک نہیں پائے گا, اب تو یہ دین کو غالب کر کے رہیں گے, اب سوچے ایک ایک کر کے جا کے جگاؤں گا جب تک, تو معاملہ کہاں سے کہاں نکل جائے گا. اس نے جو کھڑے کر کے اعلان کر دیا, قریش کے لوگ سو رہے ہو محمد پہ جو ہے ایمان لے آئے لوگ موت علی البیعت کر رہے ہیں, سارے لوگ اٹھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان کی آواز, یہ شیطان جگا رہا, لیکن جب تک جو ہے یہ لوگ اپنے اپنے خیمے میں پہنچ گئے, لیکن قریش سارا جاگ گیا, جاگا صبح کر کے سب پہنچ گیا خیمے کے بعد, جب کیمپ لگا ہوا تھا, تم لوگ جو ہے مان بیعت کیے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں لے جاؤ گے, آپ کوئی آئے گا تو ان سے جو جنگ کرو گے. آئیے لوگ تو سوئے ہوئے تھے, ان لوگوں نے کہا بھائی ہم کو پتہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم لوگ تو سو رہے تھے, ہم لوگ تو سو رہے تھے. وہ کہہ رہا نہیں ایسی بات ہوئی ہے, رات میں اعلان ہوا ہے. لیکن ادھر جو ہے جو مسلمان تھے 70-75 وہ بولے کہ ہم لوگ بالکل سائلنٹ رہے, کچھ بولے ہی نہیں, ہاں یا نہ کچھ نہیں. اور جو غیر مسلم تھے وہ تو سوئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہم لوگ تو رات میں سو رہے تھے. لہٰذا ان لوگوں کو لگا کہ بھائی یقین ہو گیا کہ جو نیوز ہے وہ غلط ہے, اس لحاظ سے ہم لوگ وہاں سے ان کے کیمپ کے پاس سے پلٹ آئے. لیکن پھر دھیرے دھیرے جب انکوائری ہوئی تو لگا نہیں وہ بیعت ہوئی ہے, لیکن جب تک یقین میں بات بدلی تب تک جو ہے یثرب کا قافلہ ایک ایک کر کے نکل چکا تھا. ہم لوگ دوڑائے تو پتا چلا کہ وہ ریچ سے باہر ہو چکے تھے, صرف دو آدمی پکڑ میں آئے, سعد بن عبادہ اور ایک اور کوئی منذر. تو منذر جو تو بھی بھاگ گئے, لیکن سعد بن عبادہ جو ہے پکڑ میں آ گئے. پکڑ میں آ گئے تو ان کو ہاتھ پاؤں پیچھے باندھ دیے اور مارتے پیٹتے لے کر کے آئے. مکے میں جیسے مارتے پیٹتے لے کر کے آئے تو پھر متیم بن عدی جو وہی جو محمد سے پناہ دیے تھے
वो बीच में आ गए और बोले कि भाई देखो ये मदीना के से जो मेरा काफिला गुजरता है ना तजारत का, तो इन्हीं के प्रोटेक्शन में गुजरता है, तो मेरे मौजूदगी में इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इस लिहाज से उनकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। आ इधर के जो अनसार भी प्लानिंग बना रहे थे कि मेरा एक साथी फंस गया, 75 में से जो 74 तो निकल आए, एक फंस गया, तब दोबारा क्या करें, अटैक करेंगे। अभी प्लानिंग बना ही रहे थे कि उन लोगों को दूर ही से जैसे साथ बिन माद जो है वो दिख गए, तो बोले कि चलो मसला क्लियर हो गया। तो इस लिहाज से ये बैत अल मौत लेकर के आ गए कि या रसूलल्लाह आएंगे जब भी मौका मिलेगा। और इसके बाद जो है एक एक करके जो है सहाबा किराम को मोहम्मद सल्लम हिजरत का ऑर्डर देना शुरू हो गए कि जितने लोग हैं वो सब यहाँ पहुँचना शुरू कर दें। और ये हिजरत की जो है मदीना हिजरत जो है ये फ़र्ज हो गई कि अब जो भी अवेलेबल ताकत है मुसलमानों की, चाहे एक बंदा ही कहीं पे है, वो पहुंच जाए मदीना, क्योंकि अब वहां से हम जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट लॉन्च करेंगे। अब ये लातों के भूत बात से नहीं मानेंगे, इनको समझा समझा के 13 साल थक गए, तो इसमें से जितना मक्खन था निकल गए हैं, अब छाछ बच गया, तो इसको फेंकना पड़ेगा। तो फेंकने के लिए तो ताकत की जरूरत होगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। लिहाजा सारे लोगों पे हिजरत फर्ज कर दी गई और अल्लाह ताला ने सूरह जो है अनफाल में क्लियर कट कर दिया कि जो हिजरत नहीं करे ना उसको मुसलमान ही कंसीडर मत करो, सिवाय औरतों के बच्चे को जो माजूर है वो, वरना जो सॉलिड मर्द है ना और वह नहीं आ रहा है उसको मुसलमान ही कंसीडर मत करो, जंग में मिल जाए उसको भी मार दो। जो हिजरत करेगा उसी का कंसीडर होगा ईमान, क्योंकि जब रसूल आप आर्म कॉन्फ्लिक्ट के मरहले में आ रहा है और तुम घर में बैठे रहोगे तो कैसे ईमान। तो इस लिहाज से अब हिजरत कैसे हुई वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत भी और सहाबा किराम, घर छोड़ के जाना इतना आसान काम तो नहीं है, और यहाँ तक घर के सारे चीज छोड़ के जाना पड़ रहा था, वो तो अजीब अजीब वाकयात हैं। तो वो तो सुनने के लायक है, इंशाल्लाह पूरा एक लेक्चर होगा उस पर कि हिजरत के जो पूरे वाकयात हैं, तो सहाबा किराम के भी मैं तफसील से सुनाऊँगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सुनाऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते। अभी हम जो है यहीं पर इक्तफा करते हैं, और जो है आप देखेंगे कि हिजरत में जो वाकयात आए हैं वो असल में जो है उसको गैर मुस्लिम भी बोलते हैं कि फ्लाइट टू मदीना, भागे जान बचाकर, जबकि ये फ्लाइट टू मदीना थे ना, ये ऑर्गेनाइजनल जो है जर्नी था, ये तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने के लिए गए थे, और फिर जैसे ही 2 साल के अंदर ऑर्गेनाइज हो गए फिर जो है अच्छे दिन आने शुरू हो गए। तो हिजरत जो है हम लोग जो है मामूली जो है एक महल्ले से दूसरे महल्ले में मकान शिफ्ट करते हैं तो कितना हालत ख़राब हो जाती है, तो यहाँ जो 450 किलोमीटर फिर वहाँ जाएंगे क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो मक्के वाले जितने भी सख्ती कर रहे थे या टॉर्चर कर रहे थे मुसलमानों को, उतना ही ज़्यादा जो है वो अनसार के दिल में हमदर्दी पैदा हो रही थी। अब वो लोग जो है दिल से अब चाह रहे थे कि अल्लाह ताला एक चांद दे ये सारे मुसलमान हमारे यहाँ आ जाएं ताकि हम इनको सेफ्टी कर दें, ये जो है मक्के के जुल्म से निजात दिला दें और हम इनको अपना भाई बना लें। तो जितने न्यूज़ सुनते थे कि इनको मारा जा रहा, उनको पीटा जा रहा, इनको सताया जा रहा, तो उतना ही इनके दिल में हमदर्दी पैदा होती चली जा रही थी। और होते होते जो है ऐसा मामला आया कि आप देखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ब्रदरहुड बनाए हैं तो इतना कामयाब हुआ है कि हिस्ट्री में उससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना ही नहीं गया। अभी आप देखिए कि 10 और 11 के बीच में जंग बास हुई है कि ऐसा लगता था कि औस खज़रज मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और यह कुरान आने की बदौलत अल्लाह ताला ने खुद कहा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जंग तो जो है झगड़े इतने ज़्यादा जो है शदीद थे कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत भी खर्च कर देते ना तो इनका दिल नहीं जोड़ पाते। लव अनफक्त माफुल लर्ज जमीय माल लफ्ता बैना कुलुबुम वलाकिन अल्लाह अल्लाफ बैना, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कुरान के बदौलत इनका दिल जोड़ दिया, और ना सिर्फ जो है औस खजरत का दिल जोड़ दिया बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जोड़ दिया, ऐसा बना दिया कि बुनियाने मरसूस बन गए, शीशा पिलाई हुई दीवार बन गए। तो ये कुरान की दौलत थी। तो आप यकीनी बात है आज मैं जितना भी वाकया सुनाया हूँ उसका जो है आप कल्कुलूजन जो है हासिल खुलासा क्या निकलता कि हर जगह कुरान काम आया कि नहीं आया। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर ही नहीं, कुरान दिए पिघल गया, कुरान दिए पिघल गया, कुरान दिए पिघल गया, अब वही कुरान आज भी मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ जो है दीन के नाम पर काम होता है लेकिन कुरान के जरिए होता ही नहीं, प्रोग्राम पे प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम, 10 लाख आदमी, 20 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, लेकिन कुरान के नाम पे कुछ नहीं होता वहां, जिसकी वजह से रिजल्ट आप देख लीजिए, गैर मुस्लिम क्या पिघलेंगे, मुसलमान से उतरने के लिए तैयार नहीं, कुरान को वो मुकाम देने के लिए तैयार ही नहीं। लोग ठान लिया कि इसके बगैर हम इनकलाब ला के दिखा देंगे,
अल्लाह ताला कहता है पॉसिबल तलाक, तौरात आज के दौर में नहीं ला पाएगी, जबूर नहीं, इंजील नहीं ला पाएगी कुरान के बगैर, और तुम्हारी जो लिखी हुई हाथ की लिखी हुई किताब क्या ला पाएगी। लेकिन उम्मत भी अड़ी हुई है कि नहीं, इसके बगैर हम इनकलाब ला देंगे, इसके बगैर लोगों को सुधार देंगे। देखिए सुधार के आपस में खुद ही जो है जमात में जमात लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही, मामूली सियादत की आदत के लिए जो है एक दूसरे को जो जान लीन जा रही। पहले तो दाढ़ी कुर्ते में जो सब चीज छुपा हुआ था, तो सब वो पे ना गया, जिसको हम समझते थे कि बाप रे अल्लाह के वली हैं, पता चला कि अल्लाह के जो है वली के दुश्मन हो। तो ये मामला आप समझ जाइए। तो ये मैं पहले से बोलता हूं कि कुरान के बगैर आप जो है इस्लाम भी नहीं कर सकते, कुरान के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा वो नकली होगा, ढुलमुल यकीन वाला होगा, वो डुप्लीकेट होगा। ये हर वक्त जो है ये बात खुल खुल करके आती है, लेकिन लोग कुरान को साथ में लेने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास तो डबल जिम्मेदारी है ना कि वो लोग कुरान गैर मुस्लिम के सामने पेश करते थे, फौरन बात समझ में आती थी, क्योंकि उनके लैंग्वेज में कुरान था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि बैरियर है लैंग्वेज का, तो भाई डबल जिम्मेदारी अदा कर दो। लेकिन अगर जो है कैंसर की बीमारी का एक ही टेबलेट ईजाद हुआ है, तो अब वो अगर एक काम नहीं कर रहा तो दो खिलाओ, तीन खिलाओ, उसी में जो है तजुर्बा करो। लेकिन उसको जो है खत्म करके दूसरे तो दवा तो नहीं दे सकते ना, उसका तो उल्टा रिएक्शन होगा। तो इस लिहाज से आप हर जगह देखे कि कुरान मजीद जो है गाइड, ये बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसको बताया कि ये हिदायत भी है नूर भी है, हिदायत भी है नूर भी है, हिदायत भी है नूर। ये हिदायत और नूर का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। हिदायत और नूर से मुराद ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई लड़का आपको बोले कि मुझे जो है यहाँ से समझिए कि फलां शहर जाना है, लेकिन रात का अंधेरा है, फलां हॉस्पिटल जाना है। आप जानते हैं क्या वो हॉस्पिटल कहाँ पे? आप कहेंगे हाँ मैं जानता हूँ, तो बताइए कैसे जाऊँ? तो आप बता देंगे बेटा यहाँ से ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे चले जाना, रास्ता बता दिए। तो इसको क्या बोलते हैं? हिदायत। आप गाइड कर दिए कि यहाँ ऐसे लेफ्ट लेना, ऐसे राइट लेना, ऐसे लेफ्ट लेना, ऐसे राइट लेना, पहुँच जाओगे अपने मुकाम पर। लेकिन बोलेगा चचा जान अंधेरा है, तो आप कहेंगे बेटा एक टॉर्च ले लो, ये रोशनी से जो है देखते चले जाए। तो ये हिदायत और नूर। कुरान आपको हिदायत भी देगा कि आपको जाना कहाँ, मंजिल कहाँ, और फिर जाना कैसे है जिसमें आपको ठोकर ना लगे, वो नूर यही कुरान रोशनी भी देता है कि इनके दीन को गालिब करना तुम्हारा टारगेट है, दीन को गालिब करने का तरीका क्या होगा वो भी कुरान ही बताएगा कि ऐसे करना है। अब आप समझिए ये दो काम कौन कर सकता है? वो सिर्फ कुरान कर सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट भी यही कुरान बताता था और टारगेट का अचीव का तरीका भी यही कुरान बताता है। हम जो मेथोडोलॉजी कहीं और से लेते हैं, जिस तरह गांधी ने इंकलाब ला दिया वैसे हम लाके दिखा देंगे, जब इस तरह कार्ल मार्क्स ने लाया वैसे हम लाके दिखा देंगे। तो जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए वो कैसे लेकर आए? वो कुरान से लाए तो कुरान ही से आएगा। लन यसलु आखिर हाज़िल उम्मा इल्ला बिमा सलबे वला, इस उम्मत की दोबारा इस्लाम नहीं होगी सिवा उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में फर्स्ट मरता हुई। और फर्स्ट मरता किस हिसाब के जरिए हुई? उतर कर हिरास से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ ला, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी अरब की जमी जिसने सारी हिला। मोहम्मद 40 साल थे ना उसी माशरे में, कहाँ कुछ हो पा रहा था, लेकिन ये आया है तब ने इनकलाब भर दिया है। तो ये नहीं आएगा तो कहाँ से इनकलाब आएगा? तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि आप अंधेरी रात में चिराग जो अपने हाथ में लीजिए और लोग दुनिया को रोशन कीजिए और लोगों के दिलों पर जा जाकर दस्तक दीजिए कि पूरी दुनिया की किताब पढ़ते हो, अल्लाह के वास्ते एक मरतबा इसको भी पढ़ के देखो, नहीं क्या इनकलाब आ गया तुम्हारे सुकून में आग नहीं लगी तो फिर बताना मुझे। ये किताब जिंदा है और जिंदा इंसानों के लिए असल रहनुमा, जो मर गए हैं उसके लिए जब कुरान क्या कर सकता है? मरे को तो कोई नहीं, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर नहीं जिंदा कर सकता। इस लिहाज से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम की खिदमत कुरान के जरिए करने की तौफीक अता हो। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, سبحانك اللهم ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك، جزاك الله خيرا।